देखिए, पांडियान मुख उड़ीसा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है उड़ीसा का युवाओं को न्याय मिले, उड़ीसा का किसानों को न्याय मिले। लेकिन ये न्याय मिलने का रास्ता में पांडियान खड़ा है, तो इसीलिए हमें ये निश्चित करना है कि उड़ीसा पांडियान मुख बने और उड़ीसा नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन का सरकार निर्माण करे। पांडियन जी बोल रहे हैं हर एक सभा में कि जो भी बीजेपी बोल रहे हैं सब झूठ है बोलते हैं। देखिए, बीजेपी अगर झूठ बोलते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में हम 3100 रुपया नहीं देता हूं धान को? क्या छत्तीसगढ़ में माताओं को 1000 रुपया नहीं मिलता है महीना में? क्या असम में माताओं को 1250 रुपया नहीं मिलते है? क्या असम में पिछले एक साल में एक ही मीटिंग में 1,00,000 अपॉइंटमेंट लेटर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ये पांडियान जी को एक बार फ्री हवाई टिकट लेके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा करके आना चाहिए, तब उनको मालूम पड़ेगा हम झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। रत्न भंडार का साबी अगर पांडियान पाताल का नीचे भी रखा है ना, हम खोद के निकाल के ले आऊंगा। तो इस बार उड़ीसा में 21 से 21, उड़ीसा में तो 100 to 100, विधानसभा में भी 100, लोकसभा में भी 100, और पांडियान जी जाने का पहले रत्न भंडार का साबी उड़ीसा का लोगों को दे के जाना पड़ेगा। हम बोला ना, हम उसको तो जाने भी नहीं देगा, पहले रत्न भंडार का साबी देना पड़ेगा। हर जगह में हम देखें कि बीजेपी जहाँ पे सरकार में आई है, जो दुर्नीति की, करप्शन की, उनके अगेंस्ट में बहुत सारा कार्रवाई किया गया है, तो उड़ीसा में ऐसे कुछ होगा? देखिए, मैं उड़ीसा का अंदर का बातों में, इंटरनल बातों में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु सारे देश का, हिंदू का है, सबका है, उड़ीसा का तो है ही, इसीलिए मैं रत्न भंडार का बारे में बोला हूँ। बाकी उड़ीसा में दुर्नीति है, करप्शन है, ये उड़ीसा का लीडरों को देखना है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना ही मैं बोल रहा हूं ना कि आज उड़ीसा का एक युवा नहीं है जो नवीन पटनायक का माइक पकड़ सकता है। सबसे छोटा काम क्या है, सबसे सिंपल काम क्या है? माइक पकड़ना ही। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये तो थोड़ा पढ़ा सुना करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, नवीन पटनायक जी ये सोचते हैं कि उड़ीसा में डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, माइक पकड़ने के लिए भी कोई युवा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उड़ीसा में हजारों युवा है जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईआईटी में इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। माइक पकड़ने का काम तो उड़ीसा का युवा कर ही सकता है, वो काम भी तो आपका पास नहीं है। सर, सवाल है, सरकार कौन चला रही है, सबसे सवाल वही बोला ना, माइक जो पकड़ रहा है। क्या तो माइक कौन पकड़ के रखा है? आप लोग इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, कोई आप लोगों का बीच में एक भी तो माइक पकड़ सकते थे। लेकिन उड़ीसा का 4 करोड़ लोगों में माइक पकड़ने वाला एक भी नहीं है। आप देखिए क्या परिवर्तन इस बार होगा? हो जाएगा, आप तो देखा है। हम बोल रहे थे कि थैला दे रहा है सरकार, रेशन तो मोदी जी दे रहा है, पांडियान 2 खाली बैग दे रहा है, ये भी क्या चमत्कारी है आप बताइए। रेशन आ रहा है मोदी जी, और 300 करोड़ रुपया खर्चा करके खाली ठेला दे रहा है पांडियान। इसीलिए कम से कम 1 केजी दाल भी तो दे सकता है ना। अगर मोदी जी हर लोगों को 5 केजी चावल देते हैं, खाली बैग का जगह में ये भी हो सकता था कि 5 केजी मोदी जी से चावल आएगा और हम 1/2 केजी डाली देगा, स्कीम बढ़िया हो जाते थे। लेकिन उड़ीसा का लोगों को खाली बैग हाथ में थमा दिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा वो तो, पहले तो जीते, हम तो देखना पड़ेगा आप लोग किसको किसको जिताता है। हम बोलेगा इसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं जिताएगा तो क्या होगा? तो आप लोग जिसको भी जिताएगा वहाँ से ही सीएम बन जाएगा। प्रधानमंत्री जब यहाँ बरगढ़ आए थे तो बोले कि यहाँ पे 80 लोगों को तार की काम में सब्सिडी देंगे, अगर वहाँ पे देखिए नवीन जी घोषणा कर लिए कि बिजली चार्ज करेंगे 100 यूनिट। देखिए, आज नवीन बाबू का सरकार कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया, तो 25 साल में बिजली माफ नहीं दे सका। तभी जब जाने का समय में वो बिजली माफी का बात बोल रहे हैं। आप जब सरकार में था, खाली बैग का जगह में बिजली माफ क्यों नहीं कर दिया? आपको किसने मना करके रखा था?
बीजेपी ने तो मना नहीं किया था, लेकिन आज आप बीजेपी का दबाव में आके आप ये सब घोषणा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये सारे बात बोलना चाहिए था असेंबली में, और आपको कर देना चाहिए था, लेकिन आप तो किया नहीं। आप आपका जब समय हुआ, जब आपका समय पार हो चुका है, अभी आप बोल रहे हैं मैं 100 यूनिट दूंगा, 200 यूनिट देगा, लेकिन आपका बात मानने वाला कौन है? आप तो एक्स हो गया है ना, एक चीफ मिनिस्टर का बात कौन मानेगा? असम में जैसे आप यूसीसी लागू करने के लिए पूरा तय कर चुके हैं उत्तराखंड के बाद, तो उड़ीसा हर जगह में होना, देश में हर मुसलमान माताओं को न्याय मिलना चाहिए, हर मुसलमान बहनों को पिता का संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।